हरिओम, मैं अंजलि वीरा गोस्वामी हैदराबाद उपासना केंद्र से। आज का जो मेरा अनुभव है वो 2021 का है। जो मेरे डैडी को 2020 में पता चला कि मेरे डैडी को प्रोस्टेट कैंसर है करके, तो उस वक्त मेरे डैडी नासिक में इलाज ले रहे थे। वहाँ पे उनके पूरे रिपोर्ट्स में ये आया था कि पूरा कैंसर उनके बॉडी में फैल गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें। उस टाइम पे ये कोरोना के इंस्ट्रक्शंस भी बहुत थे, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ पे अलग रूल है, महाराष्ट्र के तेलंगाना के अलग रूल है। लेकिन अब डैडी के पास तो पहुँचना है, पापा को कैसे ये करूँ मैं, तो बहुत टेंशन था। तब मैं बापू की मूर्ति है मेरे पास, तो वो मूर्ति को मैं अक्सर सब जन अपने आप को उधी लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने बापू को एक ही बोला कि पापा को देखना है बापू आपको, क्योंकि आज मैं जो बापू के चरणों में हूँ वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से हूँ। तो उस टाइम पे मैं उधी लेती थी और बापू के मूर्ति को उधी लगाती थी कि बापू मैं पापा को तो नहीं लगा सकती, लेकिन आपको ही उनको करना है, मुझे कुछ पता नहीं। क्योंकि उस टाइम पे मेरे ननंद की बेटी की शादी थी, मुझे शादी भी अटेंड करना है। उधर पापा फोन करके वीडियो कॉल करके रोते थे कि मुझे यहाँ से लेकर जा करके, कुछ समझ में आया। मैं पापा को बोलती थी पापा बापू है ना, बापू बापू पे छोड़ दो सब, मैं आती हूँ। ये दिसंबर की बात थी और मैं पहुंची कब, जनवरी में, 14 जनवरी को मेरा जाना हुआ मुंबई कि मेरी ठीक है अब जाएंगे, अब सब यहाँ के जो भी शादी के फॉर्मेलिटीज थे वो सब खत्म हो गए, अब मैं जा सकती हूँ करके मैं चली गई। मुंबई जाने के बाद में ऑपरेशन की डेट थी 14 जनवरी। जाने के बाद वहां पे पापा को एक ही बताया मैंने कि पापा आप डरना नहीं। और पापा को पहली बार तो हमने बताया नहीं था कि उनको कैंसर हुआ है करके, और पापा को एक ही बोली मैंने, पापा ये रामा रामा आत्मा रामा त्रिविक्रम सदगुरु समर्था सदगुरु समर्था त्रिविक्रम, ये जो मंत्र है मंत्र गजर वो आपको पढ़ना है, और दूसरा कुछ भी मैं आपको बता नहीं सकती और ना ही मैं आपको कुछ कर सकती हूँ। तो इससे जो भी बाहर आना है आपको ये मंत्र ही लेकर आएगा। और ऑपरेशन के लिए पापा अंदर रूम में चले गए, और उस टाइम पे सिर्फ पापा को एक ही बोली कि मेरे पापा कभी डॉक्टर, आज तक उनका है कि उनकी एज अभी 73 ईयर्स है, कभी पापा डॉक्टर के पास नहीं गए, आज उनकी सर्जरी है, उनको आज अंदर डर लगेगा और डर न जाने क्या होगा उनके साथ, बस मेरे पापा को मुझे देखना है और उनको ज्यादा लंबी ट्रीटमेंट भी मत देना, अब तेरे हाथ में है सब। और ऐसे बोल के मैंने उस दिन तो मेरे साथ बापू की मूर्ति नहीं थी, लेकिन मैंने मन से ही उधी बापू को बोली, रोज मैं तुझे लगाती हूँ ना, आज मैं मानसिक रीतिया में आपको उधी लगा रही, मेरे पापा का ऑपरेशन चल रहा है, बस आगे मुझे कुछ पता नहीं। शाम में डॉक्टर ने बताया, फिर उनकी सर्जरी हो गई। सर्जरी होने के बाद में डॉक्टर आए, बोले कि चिंता करने की कोई बात नहीं है अभी। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब अभी आगे उनको कितने कीमो और कितने रेडिएशन देने पड़ेंगे, ऑपरेशन तो हो गया लेकिन क्या मेरे पापा सह सकते हैं क्या। तो वो डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया, बेटा तेरे पापा का कैंसर जो है ना, जो प्रोस्टेट में था, वो उतने तक ही सीमित था, वो पार्ट हमने निकाल दिया है ना, अभी उनको कीमो की जरूरत है ना रेडिएशन की जरूरत है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उस दिन मुझे यकीन हो गया कि बापू अक्सर बोलते हैं कि उदी जो है वो हमारे लिए क्या है हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन उस दिन मैंने पूरी तरह से मान लिया था कि साई चरित्र में जो साई बाबा ने बताया कि उदी की महिमा क्या है, भक्त अपने माथे पे लगाते, लेकिन मैंने मेरे पापा के लिए मैंने बापू को ही उधी लगाया करती थी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया होगा कि अरे बापू को मैं उधी लगा रही हूँ, मेरे पापा ये कर, लेकिन उस टाइम पे मेरी सिर्फ एक ही भावना थी कि मैं मेरे पापा को देखती थी मेरे बापू में बस। लेकिन आज एक साल कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे पापा को ना कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, कुछ नहीं, बापू कृपा से एकदम फिट एंड फाइन है। बस ऐसी ही बापू कृपा मेरे परिवार पे सदैव रहे। अम्बद्य।